जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम बिहार एक परिचय एक पुस्तक है, इसमें मेनली बिहार से रिलेटेड जानकारी दी गई है। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कि बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी हो बिहार से रिलेटेड, तो उससे ये प्रश्न काफ़ी मिलता जुलता पूछा गया है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर वो भी इनकी तैयारी कर रहे हो तो। इस बुक में दिया गया है इतिहास, भूगोल भी है, फिर जो सर्वे होता है वो है, उद्योग है, सब कुछ दिया गया है। रिव्यू मैंने डाल दिया है इस बुक का, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अभी जो हम पढ़ेंगे इतिहास पढ़ेंगे, और इसमें सारे प्रश्न वही है जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। पहला प्रश्न है आपका, राजनीति रत्नाकर पुरस्कार के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर, चंदेश्वर। यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, मीन्स ऑप्शन में नहीं था चंदेश्वर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चंदेश्वर, पर उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो, मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नागार में राजा के ब्रह्म नीति और आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। यह भी खड़गयुग सिद्धांत और सामदान भेद और दंड के उपायों का प्रयोग का परामर्श देता है। मीन्स ये जो भेद होता है, सामदान मतलब पहले बात करो, फिर मुलाकात करो, फिर मतलब लड़ाई करो, या जो भी होता है, सब कुछ इसमें दिया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर है। नेक्स्ट है आपका, कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा, मीन्स चाणक्य के द्वारा। और इसमें दिया गया है समाजशास्त्र के बारे में, मतलब शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में दिया गया है। सारे प्रश्न यहाँ पे सारे में लिखा गया है कब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। 65वीं बीपीएससी जो हुआ था 2019 में, वहाँ तक के प्रश्न इसमें संग्रह किए गए हैं। अब है उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि, मौली कवि। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से भी, राजगिरी और बार बार से, बराबर लिखा है लेकिन बार बार पढ़ा जाता है इसको। बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मनेर तामपत्र से, मनेर तामपत्र से। हो सकता है पढ़ने में इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, ठीक है ना, फिर भी कैसे भी करके एक दो बार इसको देख लीजिएगा, तब थोड़ा, और अगर नहीं पढ़े होंगे तब दिक्कत हो रहा होगा, अगर पढ़े होंगे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त होता है? तुर्क में था तुगलकवाद, तुगलक वंश। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो वो होता है तुगलक वंश का। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातीनूल उंस का मूल्यवान स्रोत है? यह आपका तिरहुत, तिरहुत। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? चीनी यात्री जैसे फाहियान, युआनच्वांग और इत्सिंग, ये सारे क्या थे? चीनी यात्री जो बिहार आए थे। आंसर यहाँ पे डी है आपका, मीन्स उपरोक्त सभी सही है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया। आंसर क्या है आपका? ए। देखो मैं अभी ये बना रहा हूँ, पर अगर अधिक व्यू नहीं आएगा, मीन्स आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे, इंटरेस्टेड नहीं होगे, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा। बता देना बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक ना। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित तो यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? इसमें से कौन सा बिहार नहीं आया था? फ्रांसिय वर्निये बिहार नहीं आया था, जबकि मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये सब यूरोप के थे, बिहार आया हुआ था। बहारिस्ताने गैवी किसकी रचना है? ये रचना है मिर्जा नाथन की, मिर्जा नाथन की। देखो अभी से पढ़ोगे ना तो जो 66वां बीपीएससी होगा अप्रोक्स अगस्त सब के आसपास होगा, तो तब तक आप इसको दो चार बार देख चुके रहोगे, तो आपका उसके लिए एग्जाम का तैयारी अच्छा हो जाएगा। बीपीएससी में अप्रोक्स 30 प्रश्न आते हैं बिहार से, और वो 300 प्रश्न इसी बुक से आएगा। बीपीएससी में रिजल्ट देखो होता क्या है ना, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी का, तो अप्रोक्स 20 प्रश्न आते हैं साइंस से, ठीक है ना, 20 से 25 प्रश्न। और अगर आप प्रीवियस 4 से 5 साल के क्वेश्चन देख ले तो साइंस का देखिए नहीं पढ़ना है। एसपीडी का मैं पूरा बुक डाल दिया हूँ, वो आप देख लो, अगर वो भी चलो नहीं देखना है ना, तो 4 से 5 साल के बीपीएससी का प्रश्न देख लो, पूछे गए प्रश्न साइंस के, मैं लिए बता रहा हूँ वो देख लो। यहाँ से आप बिहार से रिलेटेड प्रश्न देख लो, 10 मैथ के प्रश्न आते हैं, 8 से 9 मैथ अगर आपका एवरेज भी है ना तो आप बना पाओगे, रिजल्ट आपका वहीं से आ जाएगा, अधिक जानना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखो, एक बार देख लोगे ना तो ये 30 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। प्रश्न
प्रश्न अभी है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें से सभी है, मीन्स भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ, ये सबसे हमको इतिहास की जानकारी मिलता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? ये भी उपरोक्त सभी है, मीन्स भग्नावशेष, धार्मिक ग्रंथ और यात्रा वृत्तांत। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होता है। कहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होता है? तो एक को छोड़कर, मीन्स पाटलिपुत्र से नहीं होता है, लोरिया अरड्याज, लोरिया नदनगढ़ से, सहसाराम से और रामापुरवा से। आंसर यहाँ पे क्या था? सी था। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त होता है सहसाराम से। सहसाराम से अशोक का प्रथम शिलालेख या लघु लेख प्राप्त होता है। बिहार के प्रथम मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी, प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्राह्मी लिपि। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? ये रचना है मुल्ला वह वहानी की, मुल्ला वह वहानी। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन सा? उपरोक्त सभी है, मीन्स कृतिलता, वर्ण रत्नाकर और कीर्ति पताका, ये सभी मीन्स मध्यकालीन मिथिला के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत वो होता है जिससे हम मीन्स किसी भी जगह के बारे में पढ़ पाते हैं, जो आपको प्रमाण मिलता है उसी को कहा जाता है स्रोत। बिहार में धातु प्रसरण युगीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं? उपरोक्त सभी से, मीन्स चिरांद छपरा से, मनेर से, चेचर व सोनपुर से। सोनपुर का पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के गया जिले में अपसठ से प्राप्त अभिलेख के किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलता है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, जो गया में अपसठ का जो अभिलेख है इससे हमको परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनार का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर, मंदर है बांका में, से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है देववर्णा के हवाले अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय के नाम मिलते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपरोक्त सभी से, मीन्स देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख था और महिपाल प्रथम का नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख था। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त होता है पाल काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिघे निकाय की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलता है मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, इन दोनों जगहों से विनय पिटक और दिघ निकाय की जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला और कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्वता कौन थे? कनिंघम, कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ये पता लगाया था कनिंघम के द्वारा। कनिंघम का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार में, जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे रिलेटेड। वहाँ के दो अभिलेख भी मिले थे जिन पर नालंदा का नाम उत्कृष्ट था। बिहार शरीफ के कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के प्रथम स्तंभ भी प्राप्त हुए। कनिंघम ने बौद्ध गया में मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की थी। उपरोक्त सभी में से किसका खोज किया था? केसरिया स्तूप का, लेरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का, बसाल्ट के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। मीन्स बिहार में पुरातत्विक जो भी स्रोत है, अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो कनिंघम पे टिक कर देना, मीन्स 90% चांसेस सही होने का। विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार के लिए उपहार में दिया यह कहाँ वर्णित है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर से रिपीट करते हैं, विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण
या सतनाम उपहार में दिया, यह कहाँ वर्णित है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कौन सी है? ये लिपि इसमें से कोई नहीं है, हालांकि कभी कहीं कहीं क्या रहता है खरोष्ठी, लेकिन याद रखिएगा वो ब्राह्मी लिपि था, ठीक ना, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में था और लिपि ब्राह्मी होता है उसका। आंसर यहाँ पे डी था, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? शेरशाह। शेरशाह वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। अकबर का शिलालेख बिहार में मिला। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? यह है दिघ्य निकाय। दिघ्य निकाय। सियर उल मुताखनीर की रचना किसने की है? ये रचना किया गया गुलाम हुसैन तबतबाई, गुलाम हसैन तबतबाई के द्वारा। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, ठीक ना। आंसर यहाँ पे बी है, मीन्स रियाज उस सल्तीन, ये लिखा गया था गुलाम हुसैन सलीम के द्वारा। तारीख़े शेरशाही, ये लिखा गया अब्बास सरवानी के द्वारा। वाकियाते मुस्ताखी, ये लिखा गया रिजुकीला के द्वारा। अफसानाए साहा, ये लिखा गया शेख कबीर के द्वारा। और वसाती नुल उन्स, ये इख तसान देवेली के द्वारा। देखो स्रोत से प्रश्न आपके कम ही आएंगे, ठीक है ना, पर पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि पहला ही लेसन है ये। मुल्ला वह वाहिनी, मुल्ला वह वाहिनी यात्री थे, ये कहाँ के यात्री थे? ईरान के। ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत कहाँ से मिलता है? इन सभी से, मीन्स आंसर यहाँ पे डी है, मीन्स फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित रिपोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट गिजेलेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट से, और विलियम फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज से भी। तो इन सब जगहों से आधुनिक बिहार के अध्ययन का स्रोत मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीति पर अभी प्रश्न पढ़े थे ये हम। अपसठ मीन्स गया से प्राप्त एक मंदिर में भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिनके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है? रामायण के। रामायण के कथा दृश्य उस पर अंकित है। अब यहाँ से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा प्राचीन भारत मीन्स पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में आपको एक्सरसाइज होगा ताकि आपको क्या होगा पढ़ने में भी आसानी होगा और वीडियो भी काफ़ी ठीक ठाक बनेगा, मीन्स अधिक लेंथ भी नहीं होगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो, सेशन उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, पर थोड़ा बोरिंग था, ठीक ना, आगे इंटरेस्ट आपका बनेगा, अच्छा भी लगेगा। अगर आपके कोई मित्र बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनको शेयर कीजिए, मैं ये पूरा बुक कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर आपका उसमें उद्योग होगा, जो भी है नदी घाटी जो भी है बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।